सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं तीन दाल लिया है तो इसको पहले हम सिलका निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए हम थोड़ा सा पानी लिया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी और इसमें हम सान कर निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए पहले हम दाल का सिलका निकाल लूँगी। दाल का रेसिपी बनाना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस तरीके से दाल का रेसिपी बनाकर खाकर देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें देखिए हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, आप लोग खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी मैं दाल में मिक्स कर कर यहाँ पर दाल को छान रही हूँ। तो इस तरीके से हम तीनों दाल को ऐसे निकाल लूँगी। और यहाँ पर देखिए ये किस तरह से निकाल कर आया है। तीन दाल को सानने के बाद इतना तक मिला है तो इसको मैं फिर से सालनी से बहुत अच्छे से सान कर लिया है। तभी देखिए इस मेजरमेंट कप से मैं यहाँ पर मैदा ऐड करूँगी। तो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं करना है। यहाँ पर 2 कप मैदा ले लूँगी और इसी कप से 1 कप आटा ले लूँगी। इसमें देखिए पैकेट वाला सूजी लिया है और चीनी इसी कप से 2 कप चीनी ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। तभी देखिए इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड किया है जैसे कि ये नरम रहे, तो ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तब हम इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ढक्कन से ढककर कुछ टाइम के लिए छोड़ कर रखूँगी। और यहाँ पर देखिए हमें देखना है फिर से इसको अच्छे से हम फटा लूँगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फटने लगा है तो अभी हम इसको बना लेंगे। तो अभी बनाने के लिए हम यहाँ पर कढ़ाई बिठा दिया तो अभी इसमें हम गैस ऑन करूँगी। तो गैस को हम हाई फ्लेम में कर यहाँ पर कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लूँगी। तो देखिए अभी तेल ऐड कर दूँगी। तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लेना है। यहाँ पर देखिए ऑयल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है तो अभी हम गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम कर दूंगे। तो अभी हम यहाँ पर दाल का बड़ा बनाऊंगी। आपको जितना भी यहाँ पर साइज लगाना है आप अपने हिसाब से यहाँ पर बड़ा का साइज लगा सकती है। थोड़ा सा इससे बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं और छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर साइज लगाना है। आज तो दाल का बड़ा बनाने में बहुत ही टाइम लगा है और खाने में तो कितना मज़ा आएगा वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग खुद ही देख लीजिए, मैं छोटा साइज बनाया है लेकिन यहाँ पर फूलकर उठा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा बेकिंग सोडा नहीं तो बेकिंग पाउडर ऐड करने से बहुत अच्छे से फुलावा आता है इसका। आज तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा, पहली बार खा रही हूँ दाल का पीठा। इसको तेल जर कर निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग बसी का आवाज़ भी सुन रहा होगा तो हाँ, डस्टबिन देने के लिए आ गया। तो अभी कैसे डस्टबिन दूँ, मैं तो दाल बुरा बना रही हूँ तो अभी तो बेटा को ही बोलना पड़ेगा। पापा जी थोड़ा डस्टबिन निकाल कर दे दीजिए, कितना मोबाइल खेल कर क्यों बिजी है, थोड़ा गेम कम खेला करो। फिर हम इसको एक एक कर इस तरह से पलट लूंगी जिसके एक साइड की तरफ से रखने से ये जल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान में रखकर यहाँ पर इसको पलटना है।
तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। और यहाँ पर देखिए पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो सभी को हम एक एक करके यहाँ पर तेल जर कर निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये तल का रेसिपी बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आने से अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ अगला वीडियो में।